हेलो, हेलो, कौन? अभी घर में सभी में बात करूंगी। कब करेंगी? आ कब जाएंगी, कौन? आ जाएंगी जब मेरे पास टाइम मिलेगा, मैं करूंगी। हाँ, हेलो, अपना नाम तो बताओ कम से कम। प्लीज नाम नाम बता दूंगी मैं घर में सब। अभी से मैं बात सब आपकी साइड में हो जाओ थोड़ा सा, साइड में नहीं जा सकती, बाहर अलग बैठा होकर थोड़ा बात करो ना, हटकर। अलग क्या हट, दिक्कत है आपको? बाहर हो जाओ थोड़ी सी, बाहर बाहर नहीं जा बैठो। सकती, बाहर बैठे हैं कौन? मेरे हस्बैंड। ऐसे थोड़ा शक करेंगे आप, अलग से आगे बात शक करें थोड़ा सा। शक करते तुम। कोई बात, आप थोड़ा सा साइड से होकर मुझसे बात करो ना। अरे मुझे पकड़ के पूछेंगे, क्या पूछेंगे आपसे? प्रियो, तुम मरवा दिया ना। मैं कह रही थी ना दिल्ली पुलिस में आगे मेरे पीछे खड़े। मैं क्या पूछ आइए रहा हूँ? आइए। हेलो। हेलो, हाँ भाई, कौन है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं इसका हस्बैंड बोल रहा हूँ। तू कौन बोल रहा भाई? आप कौन बोल रहे हैं जी? भाई मैं दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल धीर सिंह बोल रहा हूँ। तुझे किससे बात करनी है भाई? नहीं, जनाब मैं तो बात कर रहा था, उसकी ऐसी बात नहीं। ये बता, सही से फोन क्यों किया था? तू मुझे जानता नहीं है, एनकाउंटर का स्पेशलिस्ट, एनकाउंटर पारे 5, क्यों किया फोन? मुझे बात करनी थी सिर्फ। अरे किससे बात करनी थी, बताते क्यों नहीं है भाई? दीदी से बात कर रहा था, दीदी लाइन पे थी ना अभी। दीदी से बात करेगा तो? अभी लाइन पे दीदी थी ना। थी? अरे बच्चा चलिए बताया, दीदी से क्या बात करनी थी? पीसीआर से निकल रही, नीचे गाड़ी खड़ी मेरी। बच्चे के हाल चाल पूछ रहा था कि दीदी से। जी, शादी को अभी 4 महीने हुए, तो बच्चे की बात कर रहा है कौन? सर वो शायद छोटी दीदी को फोन लग गया। अच्छा, छोटी दीदी को फोन लग गया तेरा? जी जी जी। और कर किसको रहा था? बड़ी दीदी को फोन कर रहा था। बड़ी दीदी को फोन कर रहा था तू? क्या बात करनी थी बड़ी दीदी से तेरे को? सर एक मेरे गलती से फोन लग गया, आप दीदी को नमस्ते कहना। नमस्ते मैं कर दूँ, बात सुन तू जा गए मेरी भाग गया भैया। मैं बोल देती हूँ कुकड़ू को मिर्ची मुर्गा दिल्ली वाले नवेद के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 FM। हेलो, हेलो प्रकाश जी, ड्राई क्लीनर से बोल रहा हूँ। सर आपका मेल मिला था, आपने कंप्लेन करी थी सर, कोई गलती हो गई हमसे? ये जो आपके अंदर कपड़े धुल के आ रहे हैं वो साफ नहीं धुल के आ रहे, वो शर्ट थी तो उन पर धब्बे लगे हैं, कॉलर पे अंडरवियर थे, तीन अंडरवियर पे थे, तीनों अंडरवियर पे धब्बे लगे हुए। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ सर, ऐसे कभी होता नहीं है सर। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, आप बता रहे हैं शर्ट के कॉलर पे धब्बे लगे रह गए हैं, लेकिन आप जो अंडरवियर के धब्बे बता रहे हैं ना सर, आप सर थोड़ा सा मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप ही अगर शुरू में ख्याल रखें ना, आप ही सही से धो लिया करें तो ये धब्बे लगे ही ना सर, तो थोड़ा सा ना। क्या कह रहा, दोबारा कह रहा ना? मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे आप ही सही से धो लिया करें ना शुरू में, तो ये धब्बे वब्बे लगे ना, हमको मेहनत करनी पड़े, वो बेकार में मेहनत हो जाती है, आप सही से धो। क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है? क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, आपसे ही बोल रहा हूँ, जैसे आप शुरू में ध्यान रखा करो ना, सही से धो लिया करो, आप धोते वक्त तो आप ध्यान देते नहीं, वो इधर उधर धब्बे लग जाते, फिर आप मेरे अंडरवियर में धब्बे लगे साफ नहीं, बस धो लिया करो तो आप तू आ मेरे पास, तू ही आके धो दे, मेरे जॉब करने लगा उसके अंदर। तमीज से बात करिए, मैं जब आपसे कह रहा हूँ तमीज से क्या बात, अपने अंडरवियर से गंदी तो तुम्हारी जुबान है यार, बेकार की बातें कर। तू आ मेरे हाथ भी गंदे हैं, तू सामने आ जाता तब तक मैं दिखाई देता हाथ गंदे मेरे, तू आ तो मेरे पास एक बार, तू आ मैं दिखाता हूँ लिए सर जमीन है सर। मैं रेडियो से नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आपके साथ मजाक किया है, मुझे आपकी एक दोस्त सीमा जिन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था, उन्होंने कहा था कि आपने कपड़े बड़े ड्राइक्लीन को दिए थे, सर आप मुर्गा बन गए हैं। ब्रुं, ब्रुं, अब आपकी बैटरी को क्या होगा सर? क्या नवेद, मैं तो ये डर गया, नहीं क्या होगा, ये तो गल गया नवेद यार, अब मैं क्या बोलूं तुम्हें, अब बोल रहा क्या बोल रहा है? नहीं सर कुछ मत बोलिए, जो बोलते हैं वही बोल दीजिए, कुकड़ू को बोल दीजिए जरा। नौशीन सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छी नौशीन। क्या चीज अच्छी, आप कौन? मैं आपको यही बता रहा हूँ माशाल्लाह, एक तो शादी मुबारक हो नौशीन। शुक्रिया। मैं आपको बताऊँ, आपकी शादी में आए और आपसे मुलाकात उस वक्त तो हो नहीं पाई, अब 15 दिन हो गए शादी को, तो मैंने ये सोचा कि नौशीन को फोन करूँ मैं। नौशीन मैं आपका दूर का रिश्तेदार लगता हूँ। अच्छा इकबाल जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन यूँ फोन किया मैंने आपको, आपके ससुर ने हमसे पूछा, आपके जो ससुर हैं ससुर साहब, उन्होंने हमसे पूछा दुल्हन कैसी लगी, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। फिर आपकी सास जो हैं उन्होंने हमसे पूछा, बाजी कहते हैं उन्हें हम, तो सास ने बाजी ने पूछा कि दुल्हन कैसी लगी, मैंने कहा बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया।
बहुत अच्छी लगी। अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें ठीक से हो गई जी। वो असल में हमारा जो गरारा आया था शादी का, वो हमारी पुप्पी ने दिया था। माशाल्लाह, अच्छा लगा जी, बहुत बहुत अच्छा। फिर आपके ससुर ने, आपके ससुर साहब ने मेरी अहलिया यानी कि बीवी से पूछा कि कैसी लगी दुल्हन, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। चलिए माशाल्लाह, आपको अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। आपके मियाँ जो है माशाल्लाह, उन्होंने पूछा हमारे भाई से कि दुल्हन कैसी लगी, बोले बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगी। चलिए माशाल्लाह, आप सबको हम अच्छे लगे जी, और क्या चाहिए हमें, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत बहुत। ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ नौशीन। दुल्हन बन के तो हम अच्छे लगे ही थे, बहुत लोगों ने तारीफ करी जी, तस्वीरें भी आ गई हैं माशाल्लाह, उनमें भी हम बहुत खूबसूरत लगे। अल्लाह माशाल्लाह, आ गई तस्वीरें जी, तस्वीरें भी आ गई। अच्छा नौशीन, कभी मैं भूल जाऊं, असल में ये हुआ फिर जब तुम तो क्योंकि बनी हुई थी दुल्हन, तो हमारी फूफी हैं, उनसे ये पूछा तुम्हारी खाला ने, तुम्हारी ससुराल की तरफ की जो खाला है मासी, उन्होंने पूछा कि दुल्हन कैसी लगी, तो हमारे उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। सब चीजें ठीक से हो गई, मेकअप भी अच्छा हो गया था, और जो फूफी ने गरारा दिया था उसका रंग बहुत खूबसूरत था, तो बहुत बहुत मेकअप तो इतना प्यारा हुआ था, मेकअप में तो मैं फिदा हो गया कई लोग। अच्छा फिर देखिए, ये देखिए इत्तेफाक कि आपके खालू जो हैं, उन्होंने हमारे चचा से पूछा कि दुल्हन कैसी लगी, चचा बोले बहुत अच्छी लगी। चलिए माशाल्लाह, लेकिन खैर हो गई, बस बच गए बाल बाल। कैसे? हमारे भाई का छोटा बेटा मुश्किल से 4.25 साल का है, उससे आपके ससुर ने पूछ लिया कि बेटा दुल्हन कैसी लगी, और मैं धक से रह गया, दिल डर गया मेरा कि या अल्लाह ये क्या पूछ लिया, बच्चा है कहीं सच ना बोल दे। अब बच्चे तो सच ही बोलेंगे, बच्चों से कहां इस तरह की बनावटी बातें, ये झूठ उगला जाता है उनसे। मैं तो डर गया, जैसे ही पूछा कैसी लगी, मैं मुंह पकड़ के ले गया, मैंने कहा बच्चे साइड में लेके गया मैं, मैंने कहा ये कह दी अच्छी लगी। ओह ओह, क्योंकि बच्चे कहां झूठ बोलते हैं, बच्चों के मुंह से तो नौशीन तुमने देखा ही होगा हमेशा सच निकलता है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो आपके ससुर ने 4.25 साल के बच्चे से पूछा कि दुल्हन कैसी लगी, धक से रह गया दिल। मैंने कहा ऊपर वाले तो इस वक्त हमारी खैर कर, मैंने कह दिया साइड में ले जाकर बच्चे से, मैंने कह दिया अच्छी लगी, अच्छी लगी, अच्छी लगी, खूब कहे, खूब कहे। कमीने, दूसरे मतलब मुझे ही बोल रहे, नौशीन मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, और मुझे भी तुम इतनी अच्छी लगी, और माशाल्लाह सभी को अच्छी लगी, वो बच्चे को भी अच्छी लगी थी। मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहा था, आप ही के शौहर ने नंबर दिया आपका, ताजी ताजी शादी हुई, ताजा ताजा मुर्गा बना दो। इतनी अच्छी लगी बैठी हुई, अच्छा वो बच्चा जो था धक से रह गया जब उसने। हेलो, कौशिक कुमार जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये आपकी वेलकम कॉल है, अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जी बताएं। कौशिक कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी। सर ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है अपना, मैं लिखवाया था जीमेल पे। बुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार, बुल्लू मत कर। हेलो, कस्टमर है? नहीं सर, ये गुल्लू बैठा है, मेरा ये कलीग है गुल्लू, ये सर्वर के साथ छेड़छाड़ मत कर। मैंने ईमेल आईडी सर मैंने आपके बैंक के फॉर्म पे लिखवाई है, मेरा ईमेल एड्रेस है kaushik.kumar@gmail.com। गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़। सर आई एम सो सॉरी, आपका जो जीमेल का ऑलरेडी है उस पे हम कॉरेस्पॉन्डेंस सीसी करेंगे, लेकिन ये बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। सर्वर के साथ मत कर छेड़छाड़। तो ये कैसे बनेगा भाई ईमेल एड्रेस नया? कौशिक कुमार जी, मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा, सर्वर पे आप एक काम करना, अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर, यानी के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे, सर्वर खुद एक आईडी क्रिएट करेगा और आपको देगा। ठीक है। बोलो मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ। हाँ जी। अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर, यानी कि के दबाइए। Kindly hold the line. Your email is being generated. Please wait. Your email is ready. Your new email ID is kaminakutta@gmail.com. गुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, सही से बनाने दे। वो गुल्लू बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ। अबे ये है, इसको मत दो ऐसे ऐसे कॉल, इसको मत बिठाओ ना वहाँ पे।
गुल्लो हट जा प्लीज, मैं दोबारा आईडी पे डाल रहा हूँ, के डालिएगा, डालिए सर। एक मिनट रुक जा जरा भाई, हाँ डाल दिया। Kindly hold the line. Your email is being generated. Please wait. Your email is ready. Your new email ID is kallukangla@gmail.com. गुल्लो मत कर यार, क्या कल्लू कंगला पर मत कर, उसको खुद बन। Your new email ID is kallukangla@gmail.com. गुल्लो मत कर यार, गुल्लो मत कर यार, भैया का मारो, जो काम करो था करन दिया, सुन डांट रहे हैं ना कर दो सर, ये गुल्लू है ये गुल्लू, देख गुस्सा आ रहा है उनको यार, मत कर ऐसे प्लीज सर, मेरे को ये बताइए के कैसे ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है गुल्लू सर, ये मैं क्या बताऊं सर, बॉस की सोर्स से आया है यहाँ पे, एक काम करना आपको लोग कौशिक कुमार जी भी तो कहते होंगे ना कुछ लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ कौशिक जी कहते हैं ना, तो एक काम करना आप इस बार डालना के जी कर देना, अंडर स्कोर बना के देखता हूँ, अंडर स्कोर से कुछ ये कर ही नहीं पाएगा, इसके बाद अंडर स्कोर का पासवर्ड नहीं है, गुल्लू अब तू करके देख ले भाई, वो चिल्ला रहे हैं, रुकिए सर डालिए के जी डालिए के जी, रुको एक मिनट, डाल दिया। Kindly hold the line. Your email is being generated. Please wait. Your email is ready. Your new email ID is kallukangla_gadhekabachcha@gmail.com. बोलो मत कर यार, तू इधर भी फंसा रहा है, बात सुनिए ना, गुल्लू नहीं, अरे गुल्लू नहीं, उल्लू कौशिक मेरी बात सुनो यार, कौशिक 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 रेडियो पे, तुम कौशिक मेरी बात सुनो, तुम रेडियो पे हो यार, रेडियो मिर्ची पे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुला है, वेलकम कॉल है सर आपकी। गुल्लो इस बार तूने सर की अगर आईडी सही नहीं बनाई ना, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, चपेट मार दूंगा भाई आगे तेरे को। ये गुल्लो है कौन? गुल्लू मैं ही हूँ, अरे गुल्लू कोई नहीं है, गुल्लू कोई नहीं है, गुल्लू कोई नहीं है। है मजे ले लो .com में दिल्ली वालों को रौनक भाई फोन करो और सिर्फ सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाओ, उनको लगेगा कि कहीं उनका पुराना प्यार उन्हें फिर से फोन तो नहीं कर रहा है, हमने ये टेस्ट भी कर लिया। हेलो शिखा, हेलो शिखा, शिखा ए बोलना यार, वे वही हुआ, बोलना कुछ प्लीज प्लीज बोलना शिखा यार, कहा शिखा कसम से यार वो मेरी गलती नहीं थी यार, तू किसी से ही पता कर ले यार, शिखा प्लीज यार बात कर, शिखा आई लव यू सो मच यार, मुझे पता है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, प्लीज बोल तो सही, तेरा बोलने में क्या जा रहा है, बोल तो सही, एटलीस्ट टॉक टू मी यार। हेलो हेलो कौन, हेलो हाँ कौन, हेलो मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, अरे बउआ बोल रहा हूँ, अरे अरे शिखा कौन है तेरी, किससे बात करें तेरे को, अच्छा सुन और एक बार, सब्सक्राइब इंडियन प्रैंक आर्मी फॉर मोर अपडेट्स। हेलो हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो, तुम चुप रहो, मेरी बात कम से कम, रोशनी दीदी इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, रोशनी दीदी मेरी बात देखो, रोशनी दीदी मैं ना सानिया बोल रही हूँ, कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है, हस्बैंड वाइफ की बात बाहर क्यों निकाल रही हो, चुप रहो तुम, जी जी बोलिए बोलिए, रोशनी दीदी इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, 6 साल हो गया शादी को, रोशनी दीदी मेरी बात सुनो, हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे बाहर नहीं, मैंने ये मान लिया कि इनका काम ऐसा है कि इनको ज्यादा बाहर रहना पड़ता है, हर वक्त फोन में रहते हैं, रोशनी दीदी
आते जाते मेरे साथ चलते हैं मार्केट में लड़कियों को देखते हैं, ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं, तुम चुप रहो, कभी नहीं किया, बिल्कुल चुप रहो तुम। रात रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। अच्छा, मैं रोशनी से बात, कोई अच्छा लगता है मेरे साथ इन्होंने शादी करी है, दूसरों के साथ क्यों फ्लर्ट करते रहते हैं? फिक्र मत करो, मैं इनको समझा देती हूँ। आप एक बार इनको, आप रोशनी दीदी एक बार इनको समझाओ कि ऐसे नहीं करते हैं, जिंदगी काटनी है मैंने इनके साथ। आप मुझे इनसे बात करा दो, बात कर डार्लिंग, मैं जा रही हूँ डार्लिंग, बात डार्लिंग, मैं बात कर रहा हूँ यार। रोशनी दीदी क्या यार, ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती आप ऐसी ऐसी हरकतें? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती? इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है, आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है? हाँ। वो दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार? नहीं, मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ, जो औरत तुमसे इतना प्यार करती है ना, तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है उसको दिल दुखाने का। तो मैंने कब, बात तो सुनो ना, तुम सुनो मेरी बात। हाँ, ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अच्छा, मेरी एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, बस एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी, ये मैंने भी ले लिया है। आज रात को मिस्ड कॉल मारूं आपको? तो ये कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? मूवी वूवी का कोई प्लान? एक सेकंड को, कहीं कहीं है, चलते हैं कहीं, जैसे घूमने वूमने, जैसे आप फ्री हो कल? रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू, व्हाट डू यू से? चले कहीं घूमने, लॉन्ग ड्राइव पे, चल चल। रोशनी दीदी, क्या? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए, रोशनी दीदी मजाक कर रहा था, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ। रोशनी दीदी, मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया आपका। May I help you? 203 room book kraya madam. I just wanted to know that curtains are okay. May I know who's on the line? I'm Puneet. मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है. Just check your record. 203. Just give me 2 minutes now. I'll just check this. No. I can't give you 2 minutes. मेरे पास इतना time नहीं है. Meetings हैं. पैसा बर्बाद होता है. Just let me know. Curtains are okay? The curtains are definitely okay. Yeah. Just listen to me. Bathroom में साबुन रखा हुआ है? हाँ जी सर। आपने खुद चेक किया? आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन, मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं। मेरी बात सुनिए, मुझे होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली सर, हमारे यहाँ पे खाना। टेल मी वन थिंग, मेरी सिर्फ बात सुनिए, मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ, आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनिए, आप 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब नहीं करेगा? ऑफकोर्स नॉट सर। करेगा नहीं करेगा? ऑफकोर्स नॉट, नहीं। हाँ या ना में? करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डू यू थिंक आई एम रूड? नो सर, यू नॉट। या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है। आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। नोट डाउन प्लीज, पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी। यस सर, गिव मी अ सेकंड। या आई एम गिविंग अ वन सेकंड। हो गया पूरा, ले लिया सर? एक मिनट होल्ड कीजिए। तो आपने क्यों बोला एक सेकंड खत्म हो गया आपका? आपके आप काउंट करके बताइए कितने सेकंड चाहिए आपको? सर आई एम रियली सॉरी, जस्ट लेट मी जस्ट गेट अ पेन एंड पेपर। एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकंड और 20 सेकंड। I'm really sorry. हाउ मेनी सेकंड? सर आई हैव अ पेन एंड पेपर नाउ। या ओके, ये नोट करिए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं बड़ा बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में। मैं इंडिया कभी कभी आता हूँ, मैं बिजनेस देता हूँ आपके होटल को। आपके ओनर भी मेरे जान पहचान के हैं, वो मेरे घर आके रुकते हैं, मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ। बार्टर सिस्टम राइट? यस सर। ओके, मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है। मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे। वेर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे। मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है। मेरे को बोलते हैं डिस्टर्ब मत करिए आप। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे। What it has to do with the problem? क्या है प्रॉब्लम? मैं आपको बता दूं आप कहाँ पे प्रॉब्लम। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे, मेरी आँख खुलती है 8 बजे। 6 बजे आता है सुसु, 7 बजे आती है पॉटी, और मेरी आँख खुलती है 8 बजे। आप बैठे
आई एम सो सॉरी, आप जो भी हैं, एक तो मैं रूड था शुरू में, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांग रहा हूं। आप जो भी हैं, मैं नवेद बोल रहा हूं, मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है। कमाल की हैं वैसे आप, में बहुत ही ज्यादा पेशेंस है और सही जगह पे हैं आप, इंशाल्लाह तरक्की करेंगी। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। या प्लीज प्लीज, अपने 40 और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज कर। बस बहुत हो गया, इतना लंबा नहीं। हेलो, इज दैट राघव? राघव दिस साइड। राघव हाय, आई एम सुमित। हाय सुमित, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू, आपने रेडियो मिर्ची पार्टिसिपेट किया था दिस आईफोन 5C कॉन्टेस्ट जो चल रहा है। ओह या 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 या, आई मैसेज्ड देम। ओके राघव। या राघव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम माय फोन। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस राइट नाउ? रियली, आईफोन से बात कर रहा हूं। डूड दैट इज सो एपिक, आई वाज होपिंग फॉर दिस सो मच यार, मेरे को इतना मन था कि मुझे कॉल आ जाए, मिर्ची से आ जाए, आईफोन से आ जाए, कहीं से कॉल आ जाए यार। दिन से वेट कर ही जा रहा हूँ कि मुझे ये फोन आ जाएगा। आई वाज एक्चुअली होपिंग, पता नहीं समवेयर आई वाज होपिंग कि मुझे ये फोन आएगा। मॉम, आईफोन वालों का फोन आ गया। डूड आई एम सो ग्लैड यू गाइस कॉल्ड मी। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि मुझे फोन रेडियो मिट्टी से आएगा या आईफोन से आएगा व्हेन आई अप्लाइड फॉर इट। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ दैट यू गाइस कॉल्ड मी। यू हैव नो आइडिया मैम, यू हैव नो आइडिया। आई कांट वेट टू गेट माय हैंड्स ऑन दैट फोन। यू नो व्हाट राघव? यस, आई आल्सो कांट वेट यार, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। आप क्यों इंतजार कर रहे हो बॉस? ये रेडियो मिर्ची में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज यू नो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि फोन आ जाए, फोन आ जाए। बट यार गुड लक, गुड लक। तो आप मुझे आईफोन नहीं दे रहे? मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो खुद जीतने के लिए बैठा हुआ हूँ कि आईफोन मिल जाए। व्हाई द हेल डिड यू से दैट यू आर कॉलिंग फ्रॉम आईफोन? तो आईफोन से ही बात कर रहा हूँ ना मैं। तो यार तुमने फोन किया और तुम छुपते ही कह रहे हो कि यू आर कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। तो मैं आईफोन से ही कॉल कर रहा हूँ ना आपको। तो आईफोन से कॉल कर रहा हूँ का मतलब क्या होता है? आईफोन से कॉल करने का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो फोन है वो आईफोन है, उससे कॉल करता हूँ मैं। मैंने मामा को रात फोन किया है, आईफोन से किया है। मैंने पापा को रात फोन किया, आईफोन से किया है। मैं सबको फोन आईफोन से करता हूँ, मैंने ले रखा आईफोन, तो मैं किसे करूंगा? एमटीएल से तो करूंगा नहीं, जाके लैंडलाइन से। एक सेकंड, आप कह रहे थे कि आप आईफोन से बात कर रहे हैं? तो मैं आईफोन से ही बात कर रहा हूँ। आप कौन से फोन से बात कर रहे हैं? एक बात मेरे को क्लियर करो, जब मैंने फोन उठाया आपने मेरे को छूटते ही कहा था कि यू आर कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। आई एम स्टिल कॉलिंग फ्रॉम आईफोन, मैं आईफोन से ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये पीछे तालियां किस बात की बज रही है? हमारे घर बजती रहती है, हमारे घर खुशियां हैं, बजती रहती है तालियां। ताली बजाने में क्या है यार? तू कौन है यार सुमित, व्हाटएवर द हेल योर नेम इज, ये घर में घुस के मारूंगा तेरे को। राघव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और ये हकीकत है, मैं आईफोन से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये आईफोन है। मैं उससे ही बात करता हूँ। और सुनो, तुमने पार्टिसिपेट किया, तुमने आईफोन जीतने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आईफोन 5C तुम जीतोगे अगर ऐसे ही लगे रहे, ऐसे ही अपना दिमाग लगाते रहे। बट ट्रस्ट मी, बिलीव मी, सचमुच आई एम कॉलिंग फ्रॉम माय फोन। हमें भी दिला दो यार नवीद जी, हमारा भी हो जाएगा कुछ काम। इंतजार करो, दिल्ली कतार में है। थैंक यू सो मच। मिर्ची मुर्गा दिल्ली वाले नवेद के साथ। हेलो, हेलो चेतन जी, नमस्कार, बैंक से बोल रहा हूँ सर। आपके ये लोन की इंक्वायरी है, अभी बात कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आप ये 6 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं? हाँ जी। पूछ सकता हूँ किस चीज के लिए ले रहे हैं? पर्सनल लोन है। ये पर्सनल लोन की इंक्वायरी तो हो गई है, लेकिन मैं आपको कुछ फॉर्मेलिटीज बताना चाह रहा हूँ। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया होगा बैंक वाले ने, 6 लाख रुपए का आपका लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आपका बैठता है 6,85,715 रुपए बैठता है। फालतू कितना हुआ सर ये बता देंगे? 85,715 रुपए फालतू बैठ रहा है ना आपका। ओके सर, मान के चलिए 80,000 में से आपने 20% बैंक को पे करे हैं, बाकी 80% आप पे नहीं कर रहे हैं, राइट? ठीक है। 80% अगर आप पे नहीं करें तो बैंक का जो रिकवरी डिपार्टमेंट है सीधी आपके आगे सीधी वाली टांग तोड़ता है। ठीक है सर, क्या बताया आपने? अगर आपने 80% पे नहीं किया तो बैंक वाले रिकवरी वाले आके सीधी आपके सीधी टांग तोड़ते हैं। ये 80% पे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, ऐसा तो कभी सुना नहीं कहीं पर भी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था उस पर, लेकिन ये थोड़ी सुना है कभी कि ना कैसे पकड़ लेंगे। आप जब कह रहे हैं मेरी इंटेंशन पूरी है कि मैं बैंक को पैसा वापस कर रहा हूँ तो आप घबरा क्यों? 100% पैसा वापस करूंगा जब ले रहा हूँ। तो बस सर, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मैं आपको लोन दिलवाता हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको लोन मिलकर। ये मेरी जुबान है सर, मैं किसी को जुबान देता भी नहीं हूँ। मेरे को नहीं चाहिए लोन लेने, नहीं है तुम्हारे बैंक से, मैं किसी और बैंक में अप्लाई कर देता हूँ। सर मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप लोन को आप बंद कर रहे हैं तो अभी बंद मत करिए। आप अभी ऐसे मत बोलिए कि नहीं ले रहा। आप 3 महीने बाद बोला कि नहीं ले रहा, उसमें क्या होगा? 3 महीने बाद आपसे बोलेंगे ना, 3 महीने बाद आप इनसे बोल दे रहे नहीं भाई मेरे को लोन नहीं चाहिए, उसमें क्या करते हैं बैंक वाले? 3 महीने बाद देखे ना, आपकी बॉडी जो है वो सड़क पे सिर्फ घसीटेंगे 3-4 और 3-4 ट्रक के पे ये चढ़ा देंगे। उसमें ज्यादा फायदा आदमी को, यू नो, हम तो हर चीज में आदमी को, कस्टमर को। कौन बोल रहा भाई बता भी दो। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब इंडियन प्रैंक आर्मी फॉर मोर अपडेट्स।
हेलो जतिन स्पीकिंग। जतिन मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप? जी जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। राइट जी जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स दो हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे, ठीक है? ठीक है ठीक है। आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ऑल द बेस्ट। आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, दूसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगा। ओके सर ठीक है। हेलो पंकज। हेलो सर। हाय हाय बेटे। अच्छा रेडी सर? रेडी नहीं, मेरी बात सुनिए। फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बच्चा, मतलब दो क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं नहीं सर बहस नहीं कर रहा, बहस नहीं कर रहे ना, पूछ रहा हूँ। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीजा बचा हुआ है क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको वीजा दे देंगे जो ज्यादा सवाल का जवाब देगा। ठीक है सर जतिन, ऑल द बेस्ट। पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर। सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटा मेरे पास, नहीं आया। लेकिन हेलो सर। सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर। सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश बताओ सर। एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश जतिन। जी सर। आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है जी, जी। उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपका सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। अच्छा भाई इंग, इंग, इंग से शुरू होती है? बोलते रहे थे वो, क्या इंग, बोलते हैं इंग, इंग से, इंग से शुरू। इंग्लिश। शाबाश शाबाश जतिन जी। 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास सर। इतना क्वेश्चन टफ है? क्वेश्चन टफ है, मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है। नहीं सर मैं आपसे नहीं, तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती है? शाबाश सर, ध्यान दो गीली होती है। शाबाश 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 जतिन जी। 22 साल का सवाल तुम सही से। लंदन को डिस्कवर हुए वे 1500 साल हो गए, 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दो आप। ऑप्शन दे दो बेटा, गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है, गोल 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 बेटा। शाबाश ओके ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं जी। आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता सर मुझसे, आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? समझाए सर। नहीं तो समझाने, वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ, मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, उससे नहीं आप पूछ रहे। उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आ गया, ये क्या बदतमीजी कर रहा है भाई तू? मेरे बात सिंपल सिंपल वो है, आप पता किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप? ठीक कोई बात नहीं, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी, बेकार की बातें कर रहे हो यार, अगला सवाल सुन लो इनका। है बेटा भाई, बेटा पंकज चलिए ये बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? जिस तरह किस तरह का रंग होता है, काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे गोरे। शाबाश शाबाश, आई रिमेम्बर सर गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है, वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन जी सर, बताओ लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है, बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे भाई? क्या तो मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ को। आपका फोन आया, बदतमीजी कर रहा हूँ आप। जतिन 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 जतिन, मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो पहली बात तो, बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली की इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया जतिन, फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना।
सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप चुप कर। ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेल के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई। अपनी बोली अपना मुर्गा, पग पग दीपक दिनाल सुनो मिर्ची मुर्गा। हेलो गगन बोल रहे हो? बोलो गगन, मैं थोड़े को फोन लेके गया सी। अच्छा, जो हूं मैं किसी नु फोन कर दगा ते अगो आवाज आंदी है कि ताडे खाते च पैसे नहीं है। कैसे गल कर दे आ गए पैसे पवाओ? पैसे आंदा ता फोन लेता। फोन लिया सिम च पैसे बारे रिचार्ज तो कराना ही पैंदा। अरे नहीं समझे नहीं, पहला हो ही पुआ जी ना गल मेरी। अच्छा पैसा पवादे रहे, हजे परसों तो मैं 10 रुपए का रिचार्ज कराया। 10 रुपए का रिचार्ज करा पचास पाओगे ताई गल होगी। 10 रुपए का रिचार्ज कड़ी गल होंगी। पहले तो तू कहता था की फोन बहुत बढ़िया है। क्या बता रहे हो? सिम में पैसे डालेंगे पर सिम तो फोन में ही आना। तेरे को समझ है कि नहीं है? मेरा समझ नहीं आया, तेरे की समझावा? तुसी नहीं समझदार है, तुसी मैंने उदो कह दो। समझदार नहीं है कि तू बहुत ज्यादा समझदार है। किसी और गल दसेंगे ना तेनू तेरा ऐसा मजाक उड़ाएगा भी की बोलता। तुसी लुट मारना मचाओ, मैं दस रहा। लुट मार दे पुत्रा, तेरी कोई गल के जे फिर वही बकवास करी जा तू। अकल ना गल करो मेरे नाल। पागल जा रहा तेरे दिमाग तेरा दिमाग तक फोन च करना चाहना नहीं। तुसी लोकां नू ठगन दे रहे हो। आ जी तू, आ जी तेरे किथे आ जी धमकी किन पैसे मैं नोट पा दवा, सिक्का पा दवा, फोन खराब करना मैं आप फोन चुप तो बदिया। हेलो के? हेलो हेलो, पैसे दो मेरे। तेरा इतने फोन है छत्तर रखी किता पैने? तू दस केड़ी जगह तू? मैं होना तेरा फोन ठीक कर। मैंने गाला ना कटो, मैं कह रहा गाला तेरी चक तेन दस दा, मैं गाला छड़ तेन होर तेन बहुत कुछ करके दादा। मैं एक 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 ता मेरा फोन, मेरे का फोन खराब। फोन छड़ तू दस है किथे तू? मैं जिथे मर्जी हो मैं। तू बंदा साडा कमला कर छड्या। पाजी गल सुन लो, मैं ना पुआ जी नु फोन कर दा ता जो आवाज आंदी तुहाडे खाते च पैसे नहीं है। ओ जे नहीं है ते खाते च पैसे पा, ओ की बोल के देने तेनु? नहीं खाते मेरा अकाउंट है का बैंक 3500 रुपया खाते। तू छित्तर ना खानी मेरे तो, तू तेन पता नहीं तू कहना मजाक करन दिया बस की आला ला 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 ला। तेन दसा आला ला 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 तेरी मैं करदा आला ला 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 ला। गंद पाया तुम सारे पंजाब जाके मेनू फोन करके कर मेरा मत्था चट्टन दिया। अच्छा मेरी गल सुनो। हाँ? पाजी मैं दीपक बोल रहे हैं। केड़ा दीपक यार, यही नहीं जानते गए दीपक दूपक नु। फोन बड़ा केड़ा पाजी पक पक दीपक रेडियो मिर्ची 98.3 FM तो। ओ पाजी यार तुई यार पाजी इदा यार तुई तो बस। और हां जी पाजी, हुन कुछ नहीं बोलना, सिर्फ एक शब्द बोलना है। की पाजी? कुकड़ू 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 कुकड़ू। ते मेरे फोन दी प्रॉब्लम? कर देंगे भाजी यार, आ जाओ तुसी, कोई गल नहीं, जो कहोगे कर देंगे भाजी। जे तुसी भी किसी दा मुर्गा बनाना है ते SMS करो, लिखो VOTE वोट स्पेस मुर्गा ते उनू सेंड कर दो 58888 ते बाकी काम मेरा जी। कैच द बेस्ट ऑफ मिर्ची मुर्गा विद पग पग दीपक। लॉग ऑन टू www.radiomirchi.com/jalandhar। रेडियो मिर्ची 98.3 FM प्रेजेंट्स मिर्ची मुर्गा दिल्ली वाले नवेद के साथ। हेलो हेलो गोल्डी जी। हाँ जी सर, मैं प्राइड सेल पॉइंट से बोल रहा हूँ। आपने ये मोबाइल दे रखा था ना, इसमें प्रॉब्लम क्या थी मेरे को बताएंगे आप थोड़ा? आवाज नहीं आ रही थी, जब कोई फोन करता है ना। हाँ आवाज नहीं आ रही थी मतलब। सर ये प्रॉब्लम आप वैसे ठीक हो जाएगी, मैं आपको तरीका बताया था, वो पैसे ज्यादा लगेंगे नहीं इसमें। प्राइड सेल पॉइंट में मैंने दिया था तो उन्होंने कहा था की प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। गलत समझा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने 3 बंदे लगा रखे थे इसमें, कह रहे थे आवाज नहीं आ रही फोन में, आवाज कम आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादा पैसे नहीं लगे, 15 रुपए लेगा एक आदमी ना, आपकी गली के आसपास होगा या फिर किसी सिनेमा हॉल के नीचे खड़ा होगा। कौन? एक आदमी होता है जिसके कान में एक सीक लगी होती है, टोपी पहनी होती है। सर वो कान का मैल निकाल देगा आपका। आपके कान में मैल है, यहाँ 5 आदमी लगा रखे है, कान का मैल साफ नहीं करते, कहते हैं
क्या या बात कैसे कर रहा है? आपने 5 दिन लगवा दिया कान का मैल साफ नहीं किया? अरे तो कान में प्रॉब्लम है, यहाँ 50 आदमी इंजीनियर लगा दिया हम। आप तमीज से बात करिए, बेकार की बात करे, कान में मैल लेके घूमे हुए। एक हफ्ते तूने फोन रख रखा, फिर बाद में तू ये कहता कि मेरा कान खराब है। अब अपने अपने पहले कान सही कर, सही कर, कान सही, मेरे बिल्कुल सही है कान, अपनी जुबान ठीक करिए। आप रहने दे, खुद करवा लूंगा, खुद करवा लूंगा। मेरी आवाज गायब नहीं होगी, आपकी आ गई आवाज। गोल्डी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मुर्गा बन गया तुम्हारा। मिर्ची मुर्गा दिल्ली वाले नवेद के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम हिट्स। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम प्रेजेंट्स मिर्ची मुर्गा दिल्ली वाले नवेद के साथ। विनायक, मैं रेडियो मिर्ची से नावीद बोल रहा हूँ। आपने नंबर दिया था किसी का कनिका का मुर्गा बनाने के लिए। यार आपको शर्म नहीं आती विनायक? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं अगर किसी के साथ मजाक करता हूँ तो एक लिमिट में करता हूँ। आपको मालूम वो कितना रो रही है? वो उसकी मॉम ने हम पे केस कर दिया, आप पे भी केस करने कह रहे हैं। आप कर रहा है यार, आपने ऐसा केस कर रही है? पर आपको शर्म नहीं आती यार? आप सोच समझ के तो मुर्गा बनवाया करो कम से कम। नहीं, ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ यार? मैं मतलब यहाँ पागल हूँ बैठा हुआ हूँ यहाँ पे? मुझे उनकी मम्मी का थोड़ा पता। यार तो मुझे पता रहेगा उनकी मम्मी का, बच्ची का मुर्गा बनवाया, वो मुझ पे केस कर रहे हैं। मुझे यार 12th क्लास में बच्चे ही होते हैं। मैं जाके कोर्ट में बोल दूंगा कि विनायक ने मुझे नंबर दिया था, इसने मुर्गा बनवाया। लेकिन ये तो एक मुर्गा था, ये कोई कनिका के ऊपर उन्होंने केस कर दिया। मजाक की वजह से तो मेरी वाट लगी है। सॉरी यार, सॉरी से काम नहीं चलता विनायक। उन्होंने केस कर दिया। पापा की जान पहचान है कहीं कोर्ट में? होगी, आप भी पता करो यार। ओके आंटी, फोन लाइन पे मेरे साथ विनायक भी हैं। विनायक, कनिका की मॉम फोन लाइन पे हैं। अब जो कुछ बोलना है बोलो यार। ये 3-पार्टी कॉन्फ्रेंसिंग है, वो आपको सुन पा रही हैं, आप बोल नहीं पाएंगे। हेलो आंटी, सॉरी ये सब मजाक था, ये सिर्फ एक प्रैंक खेला गया था, आप इसको ज्यादा पर्सनल मत लो। और आपने जो केस किया उसको विड्रॉ कर लो आंटी, प्लीज सॉरी अगर कुछ गलती हो गई। 1 सेकंड विनायक। हेलो आंटी, कह रही हैं कि विनायक से बोलो कि वो बोले कुकड़ों को। कुकड़ों को नवेद यार बिल्कुल।